हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आपको पता ही है आज हम सीखने वाले हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाउन हम सभी को पता है नाउन क्या होते हैं। नाउन वो होते हैं जिसमें किसी का नेम आता है। नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं बेसिकली वो हमारे नाउन होते हैं। अब बात करते हैं काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकें यानी गिन सकें। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहले प्यूपिल। प्यूपिल को हम काउंट कर सकते हैं यानी लोगों को। प्लेसेस को हम काउंट कर सकते हैं, जगह को हम काउंट कर सकते हैं। एनिमल्स को हम काउंट कर सकते हैं। और हम जो कुछ चीजें होती हैं, थिंग्स होती हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे थिंग्स में आ जाएंगी, जैसे आपकी बुक्स हैं, चेयर है, चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम, कप्स, कोन्स, पेंसिल, इरेजर, इन सब चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। जैसे हो गए हमारे हेयर, हेयर जैसे हमारे बाल हो गए, हमारा हो गया सैंड यानी रेत, स्टार, स्टार को हम काउंट नहीं कर सकते, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। मिल्क, वाटर, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपके काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब बात करते हैं सॉर्ट आउट काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें कैसे इसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को हमें अलग अलग छांटना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है क्लॉक। तो क्लॉक क्या है हमारा, क्लॉक को हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल के लिए हम सी लिखेंगे यहाँ पर, क्लॉक को काउंटेबल है। टेबल है वो भी हमारी काउंटेबल होती है। सैंड जो होती है यानी मिट्टी या रेत, वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। उसी तरह साल्ट होता है, साल्ट भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। डेस्क, डेस्क हमारी काउंटेबल नाउन होती है। बॉटल होती हैं, वो भी हमारी काउंटेबल नाउन होती है। वाटर, पानी को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ऑयल, ऑयल को भी हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। कप, कप हमारा काउंटेबल नाउन में आता है, ये थिंग है। राइस, राइस को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। स्पून को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है। रेन, रेन को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। सॉसर, सॉसर हमारे काउंटेबल नाउन में आता है। लीव्स काउंटेबल नाउन में आता है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। शूज को भी हम काउंट कर सकते हैं। और मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।